गया था लाठी से पुलिस वालों का। हम लोगों पे भी लाठी चार्ज हो जाता है लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करके बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचे। अच्छा, हाई कोर्ट के पास और इधर उधर सब भटक रहे हैं आसपास सब। हम लोग 20-20 के मंडली में हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ से आने नहीं दिया जा रहा है लोगों। मतलब सिर्फ काफी लोग, हम ही लोग नहीं, 5,000 लोग आ चुके हैं। नियानवे अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे, ठीक है, और सीट से कम अभ्यर्थी थे, सीट से अधिक नहीं थे। तो शिक्षा मंत्री ने उन्हें बयान दिया जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर साहब थे और संजय कुमार साहब थे शिक्षा सचिव थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जिनकी नौकरी, जिनका इसमें रिजल्ट जो क्वालिफाइड हो गए हैं, वो उनकी नौकरी 100% पक्की है, श्योर है उनकी नौकरी। और 12 ये आपको 21 जून को रिजल्ट आया 3 सब्जेक्ट का, उसमें क्या हुआ सर कि फिर से रिजल्ट जारी किया गया जिसमें हम लोग जो क्वालिफाइड थे, क्वालिफाइड तो दिखा रहा है बट नॉट इन मेरिट लिस्ट दिखा रहा है, और संख्या उतना ही, क्योंकि देख लीजिए ये जो 24,599 की नौकरी, 24,599 की रिजल्ट 12 मार्च को भी आई थी और परसों भी जो रिजल्ट आई है उतना ही आई है, हम लोग उतने ही अभ्यर्थी है। लेकिन ये कैंसिल कैसे हुआ? हम लोग क्वालिफाइड थे लेकिन नॉट इन मेरिट लिस्ट कैसे हो गया? अभी भी कैंडिडेट उतना ही है, इसका जवाब कौन देगा? आपने कुछ दिया नहीं, कैसे हुआ, कैसे हुआ? हम लोग की नियुक्ति है, सारे लोग हम लोग क्वालिफाई हैं, तो कैसे हम लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट हो गए? जबकि रिक्ति भी उतना ही है, सीट भी उतना ही है और क्वालिफाई कैंडिडेट भी उतना ही है, जबकि सीट से कम है। हम लोग सारे लोग क्वालिफाई है, जितना है उसका एक सूची जारी किया जाए, आज तक जारी नहीं हुआ। आज तक RTI के माध्यम से भी उसका सूची मांगा गया था। इन अभ्यर्थियों के दर्द को सुनकर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं ये कि किस कदर परेशान है। ऐसा क्या हुआ कि हजारों अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर हैं। 5 दिन से चल रहे इस ड्रामे में अगर बिहार सरकार, शिक्षा विभाग ने धांधली नहीं की है तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्यों शिक्षा विभाग द्वारा गोलमाल जवाब दिया जा रहा है? इन हजारों अभ्यर्थियों को पहले क्वालिफाइड करके नौकरी पक्की, जब रिजल्ट निकला था तो शिक्षा मंत्री ने खुद बोला था कि जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, जितने क्वालिफाइड हुए सभी की नौकरी पक्की। अच्छा। लेकिन आज जब 2 दिन पहले यानी 21 जून को जो रिजल्ट आया, 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, उसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट निकाला गया। STET 2019 के परिणाम को बिहार सरकार ने जारी किया, न जाने बिहार में ऐसी क्यों स्थिति बन चुकी है कि सरकार जब कोई भी रिजल्ट जारी करती है तो कहीं न कहीं कोई बड़ी त्रुटि रह जाती है। इससे पहले जब BPSC का रिजल्ट आया तो हमारी मांग है कि जिस तरीके से उसमें तमाम ऐसे छात्र हैं जिनको अगर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए तो निश्चित तौर पर उनको कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी। और अब जबकि बिहार सरकार ने STET 2019 के रिजल्ट को प्रकाशित किया है तो एक तरफ एक मेरिट लिस्ट बनाई गई और दूसरी तरफ क्वालिफाइड छात्रों की सूची जारी की गई। अब इसमें माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जी विजय चौधरी जी ने कहा था कि जितने भी विद्यार्थी इस STET 2019 में क्वालिफाइड करेंगे उन तमाम अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज सरकार अपने ही वायदे पे मुकर चुकी है। हम माननीय मंत्री जी से और बिहार सरकार से निवेदन करते हैं कि फौरन आप उन तमाम छात्रों को, अभ्यर्थियों को जो क्वालिफाइड हो चुके हैं, उनको आप अविलंब नौकरी दें। कम ही रिजल्ट हुआ और सबने यही कहा तो फिर उन सीट पर मेरिट वाले कहां से आ गए? इस दुख के साथ राजधानी में कभी कोर्ट कभी बोर्ड के गलियों के खाक छानते नजर आ रहे ये अभ्यर्थी आज परेशान और अपना दुखड़ा किसको सुनाएं? जब नौकरी नहीं देनी थी तो पहले ही रिजल्ट में साफ तौर पर कह देते कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, मेरिट बाद में आएगा, तो सब कुछ साफ हो जाता। अब विपक्ष भी इन अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो या महागठबंधन हो। शिक्षा मंत्री का आज का बयान है कि कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और फाइनल डिसीजन जल्द ही आ जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों के हक में बेहतर फैसला होगा। अब देखना यह है कि इंसाफ कितना हो पाता है इन अभ्यर्थियों के साथ। कीवर मोटिव्स के लिए शमीम कंवर रियाजी की रिपोर्ट।